हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी खाने की ब्रेक ले रही हूँ। और अगर आपको पीछे मैस दिख रही है ना थोड़ी, तो मैनेज कर लीजिए क्योंकि इस रूम में मैस है। आई मीन झूठ बोलना मत का जूस। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज मेरे चैनल पे मैं करने वाली हूँ हॉल। बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद मैंने कुछ ना कुछ सामान खरीदा है ज़ारा से। बेसिकली ये ज़ारा हॉल होने वाली है क्योंकि सारी चीज़ें ही ज़ारा से हैं और सारी चीज़ें इस रूम के बेड पे पड़ी हैं और इसको मुझे समेटना है। और समेटने से पहले मैं वीडियो शूट करना चाहती थी क्योंकि अगर मैं समेट लूँगी तो फिर मुझे वीडियो शूट करने के लिए चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि कोई चीज़ मैं कहीं पर रख दूँगी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने थोड़ी चीज़ें उठा भी दी थी, अब मुझे पता नहीं है कि वो इसमें है या वीडियो को शूट करने के बाद मुझे याद आएगा ओ वो चीज़ तो रह गई। या जो है वो है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ट्राई करके भी दिखाऊँ आपको कपड़े। मैं कोशिश करूँगी। शुरुआत करते हैं हमारी हॉल के साथ। पर अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कंसिडर करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। तो मुझे लगता है कि हम फुटवेयर से शुरू करते हैं। मेरे पास चार हैं। सबसे पहले हैं ये शूज़। ये काफ़ी ज़्यादा चंकी किस्म के हैं। एक्चुअली मैंने इनको पहन लिया है एक बार। ये पूरे वाइट हैं। ये मैंने खरीदे हैं। एक्चुअली मेरे पास ईजीज हैं जो इसी किस्म के दिखते हैं, पर मुझे चंकी शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैंने इनको देखा मैंने कहा कि यार मज़ेदार है। एंड ये इतने ज़्यादा लाइट वेट हैं, जितना ये चंकी दिख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के। अगर आपको पहन के पता भी नहीं चलेगा कि आपने शूज़ पहने हैं, परफेक्ट हैं अगर आपको वॉक करना है या जो दोस्त चाहते हैं कि वो थोड़े टॉल दिखें उनके लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। पहले ये शूज़। अगला जो पेयर है वो है दीज। ये वाइट है और इनकी ये ब्लॉक हील है और इसकी जो ये शेप है स्ट्रेट है और मुझे बहुत बहुत मज़ेदार लग रहे हैं इस किस्म के शूज़ दीज डेज। और जब मुझे ये दिखे मैंने ख़रीद लिए और यहाँ से ये बंद भी नहीं है तो ज़्यादा कम्फर्टेबल है। अगर जो बंद होते हैं ना फिर वो आपकी जो एंकल है वो पेन होनी शुरू हो जाती है और लगनी शुरू हो जाती है जूती। ये बहुत प्यारे हैं। और सफ़ेद शूज़ किसी भी आउटफिट को काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट बना देते हैं, ये मेरी सोच है। और मेरे पास सफ़ेद हील्स बिल्कुल नहीं थी और वैसे भी मैं ऐसी ही हील्स पहन सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा ये फ्लैट्स का पेयर जो ब्राउन कलर का है और बहुत ही ज़्यादा ओल्डन डेज वाला लग रहा है ये, जैसे ग्लैडिएटर काइंड का। और इसमें बहुत लंबा एक स्ट्रिंग है जिसको आप अपनी टांगों के साथ टाई कर सकते हैं। आजकल मुझे फ्लैट्स में बहुत मज़ेदार लग रही थी क्योंकि समर्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस पहनने की कोशिश की और उनके साथ फ्लैट्स बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट दिखती हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे चाहिए। और इसकी ये जो शेप है ना ये आजकल मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लाइक ट्रेंड में है। और मैंने नोटिस किया कि जब हम स्कूल में थे तब भी फ्लैट ऐसे का ट्रेंड आया था, तब भी मुझे वो बहुत अच्छी लगा करती थी, पर आजकल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है और अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लगती है ये स्टाइल, लगता है तो मुझे बताना। एक और बहुत प्यारा एलिगेंट सा पेयर है फ्लैट्स का। इसमें भी स्ट्रिंग है तो आप अपनी टांगों में टाई कर सकते हैं एंड ये पैरों में पहनना इतना क्यूट लगता है ना, इसमें बहुत प्यारी शाइन है। है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पर पैरों में पहन के ना बहुत क्यूट लगता है। आई होप मैं वो वीडियो बनाऊंगी कि मेरे पैरों में ये कैसा दिखता है। मेरे पैर ही इतने खूबसूरत है, उसमें हर कुछ अच्छा लगता है। अच्छे हैं ये पैर फोर में रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं कपड़ों के साथ। सबसे पहले मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है ड्रेस। वो है एक रैप ड्रेस जो कि है बटरी येलो कलर की, ऑफ वाइट कह लेंगे हम। इस ये कलर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसमें ब्राउन भी है, कैमल काइंड का कलर भी है और इसमें बटन्स है और ये रैप ड्रेस है और काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आपके घुटनों के नीचे तक आएगी। मुझे लंबी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं और मुझे लगा कि फॉल में ये बहुत एप्रोप्रिएट रहेगी क्योंकि इस कलर की मेरे पास कोट भी है तो मैं उसके साथ पहन सकती हूँ। आई होप मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊं। तो ये एक ड्रेस ली है मैंने, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ये। अगली एक और ड्रेस है, अगेन ये है वाइट
काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसका जो फैब्रिक है वो है डेनिम, वाइट डेनिम है ये, और ये पहनी हुई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो ये बॉडी पर पूरी फिट है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके नीचे कोई ड्रेस पहनने के बाद इसे ऊपर पहन सकती हूँ एज अ ट्रेंच, या आई डोंट नो कैसे स्टाइल करेंगे, आपके ही तरीके से कर सकते हैं। और वाइट कलर बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल एंड लग्जरी फील देता है, सो वाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। और अब वो मेरी न्यूमरोलॉजी के चक्कर में मुझे पता चला है कि वो मेरे लिए लकी भी है, सो काफ़ी चीज़ें वाइट खरीद ली है मैंने। एंड या आई होप मैं आपको अच्छी तरह दिखा पा रही होंगी। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मेरे घुटनों से भी नीचे है, सो ये ली है मैंने। सो एक अदर ड्रेस मैंने ली थी ज़ारा से नहीं ली थी, ये मैंने ली थी ये मैंने ली थी मार्शल से, ये भी ज़ारा की ड्रेस है। ये बहुत ही प्यारा शिफॉन किस्म का, सिल्की शिफॉन किस्म का मटेरियल है और बहुत ही प्यारी लगती है ये ड्रेस। काफ़ी ज़्यादा लंबी भी है और आप इसको इंडियन तरीके से पहन सकते हैं, अगर आप प्लाजो के साथ पहने या सलवार के साथ। सो इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छी हैं, मैंने किसी और व्लॉग में भी दिखाया था, अभी मैंने इसको पहना नहीं है। सो मुझे लगता है कि ज़ारा की इस हॉल में इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। और इसने लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया, इसका साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है। और मुझे ज़ारा की ना ये चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई चीज़ मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आती है, कोई मुझे एक्स्ट्रा लार्ज आती है। कैन यू गाइस बिलीव? ओके, सो ये एक बहुत ही प्यारा लिनन का मैंने लिया है, क्या बोलेंगे इसको, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, ये ज़ारा बेसिक्स है। ये काइंड ऑफ जैकेट किस्म की है लिनन की, और इसमें बेल्ट भी है, और ये बहुत ही प्यारा वार्म ऑरेंजिश रेड कलर का है। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड ये स्मॉल है और ये परफेक्ट है लाइक जब सर्दियाँ अब शुरू होने वाली हैं तो लेयर करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जब मैंने इसे देखा मैंने लगा कि इसे नहीं मैं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि लिनन फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड यस, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, इसमें जिप भी है और आप ये टाई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ताकि आप थोड़े पतले दिखें अगर आप मोटे हो रहे हैं मेरी तरह तो। सो एक ये ली है मैंने। ओके, सो ये ज़्यादा ही है, यस। ओके, ये मैं हैंगर से उधार के लेके आई हूँ। सो एक और डेनिम की ड्रेस ली है मैंने, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट है। इसके साथ हम लेगिंग्स पहनने वाले हैं, एंड इसकी जो शेप है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म की है। इसकी आर्म्स भी यहाँ से बिग है और आगे ये ऐसे है, एंड गला काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और मुझे ये बहुत 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 क्यूट लगी। डेनिम की ड्रेसेस अच्छी ही लगती हैं और इसका स्टाइल काफ़ी यूनिक था तो मैंने ये ली है। सो मैंने एक और ड्रेस ली है, ये भी ज़ारा से ही है, ये लार्ज है और ये ऑफ वाइट किस्म की है, और इसका जो कपड़ा है वो टी शर्ट के काइंड का है, लाइक पॉलिस्टर एंड कॉटन का मिक्स है, और इसके यहाँ पे इलास्टिक है, एंड आप इसको स्ट्रेच करके टाइट भी कर सकते हैं, और इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सो इसे आप समर्स में भी पहन सकते हैं, या फिर आप सर्दियों में पहन के इसके ऊपर कोई ट्रेंच या कोई कोट पहन के मज़ेदार लग सकते हैं। सो ये लिया है मैंने एक। सो ये है जॉगर, मुझे जॉगर्स पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये नेवी ब्लू का इनका है, आई डोंट नो अगर आपको ब्लैक दिख रहा होगा या ब्लू ही दिख रहा है। सो ये जॉगर लिया है मैंने, क्योंकि जॉगर्स मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पहनते हैं हम। जीन्स इतना पहन नहीं पा रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि मुझे जीन्स, एक तो मेरी पसंद की मेरे पास जीन्स है नहीं, एंड दूसरी चीज़ है कि जीन मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है। पहले हम जीन्स पहन के हज़ारों सालों तक रह लेते थे, सो भी जाते थे, पर अब मैं जीन पहन लेती हूँ मुझे सा नहीं आता है, ऐसा लगता है कि बहुत टाइट हो गया कुछ। एक्चुअली मेरी पसंद की जीन्स भी नहीं है मेरे पास, तो ये जॉगर्स लिए हैं। आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक आ गया है डिफरेंट कलर्स की पैंट्स का, सो मैंने काफ़ी सारी पैंट्स कलेक्ट कर ली हैं। एक मैंने ज़ारा से भी ली है, बहुत प्यारा लिनन किस्म का फैब्रिक है ये, 59 में आई है ये। एक्चुअली प्राइजेस नहीं बता रही हूँ मैं आपको, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर दिया। सो ये है ऑफ वाइट कलर की पैंट, जो कि फॉर्मल किस्म की दिखती है, पर आपको किसी तरीके से पहन सकते हैं इसको, और इसकी लेंथ थोड़ी कम है, सो थोड़ी सी शॉर्ट किस्म की है। एंड इसका जो ये लेग की विथ है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है, लेग पजामा किस्म की। सो पहनी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बहुत तरह से स्टाइल करने के लिए, और इसका भी कलर फॉल के लिए अप्रोप्रिएट है, विंटर में पहन सकते हैं। ओके, सो एक मैंने शर्ट ली है जो कि बहुत बहुत प्यारी है, अगेन ये वही बटरी येलो किस्म का कलर है, ऑफ वाइट है,
एंड शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं. इस शर्ट्स को आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं एंड मुझे लगता है कि ये लार्ज है. सो ये मैं पहनने के लिए एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली इसलिए मैंने उस पैंट के साथ ट्राई किया था, बहुत अच्छी लग रही थी. एंड यस, अब मैं यहाँ से चीज़ें लेके जाऊँगी ना तो स्टाइल कर पाऊँगी. हाँ, मैं पहन नहीं पा रही थी, मुझे लगा कि पहले हॉल कर लूँ नहीं तो गोवा जाएंगी. ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी मैन. सो ये ड्रेस ली है मैंने एक, ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है. इसकी शेप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म की है. इसकी आर्म्स काफ़ी लंबी है, लेंथ भी बहुत अच्छी है एंड ये यहाँ से रैप किस्म की है पर अंदर से पूरी तरह बंद है और बहुत ही प्यारी लगती है पहनी हुई. इसको मैंने ऐसे ही पहन के देखा था बूट्स के साथ या कोट के साथ, तो काफ़ी 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 मज़ेदार लग रही थी. तो इस तरह की ड्रेस है ये. ओके, मैंने पजामा पहना हुआ है गाइस, डोंट जज मी. ओके, वन मोर ड्रेस है मेरे पास जो कि अगेन लिनन फैब्रिक की है. इसका गला भी बहुत ज़्यादा छोटा है एंड इसकी आर्म्स भी फुल है एंड इसकी शेप कुछ डिफरेंट तरीके की है. और ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्रेस है और इसके साथ बेल्ट भी है. एंड अदर चीज़ है कि मुझे ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लगता है. ये एक्चुअली आर्मी ग्रीन कलर है, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगता है एंड ये पहन के भी मुझे मज़ा आया. और सर्दियों के लिए या फॉल के लिए परफेक्ट है, स्टाइलिश लगने के लिए. अदरवाइज तो हम वही कपड़े पहन पहन के लल्ले चल ऐसे ही रहते हैं, मज़ा नहीं आता. ओह माय गॉड, अगली जो चीज़ है ना वो इतनी ज़्यादा क्यूट है, इतनी ज़्यादा क्यूट. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको पहनने के लिए. और मैंने पहन के देखी थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना ये ड्रेस. मैं सोच रही हूँ कि कोई न्यू ईयर की पार्टी पे या कुछ ऐसा होगा तो मैं पहनूंगी. आजकल वेलवेट की ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा ज़माना है. सो ये वेलवेट की ड्रेस है. इसके ऐसे बलून किस्म की स्लीव है, जैसे इसकी स्लीव्स है वैसे ही इसका बॉटम है. और ये लंबी नहीं है, ये छोटी है, इस तरह की दिखती है ये. एंड इसका गला कुछ इस तरह का है और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इतनी अच्छी फिटिंग आई है ना मुझ पर. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है और मैं इसको किसी विंटर फंक्शन में पहनना चाहती हूँ. तो मैं इसके साथ, मेरे पास एक लेदर की लेगिंग्स है उसको पहन सकती हूँ, उसके साथ ये बहुत मज़ेदार दिखेगी. सो इसको पहनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये ड्रेस है $80 की. सो बहुत 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 क्यूट है, आई रियली लाइक इट. और काला रंग देख के तो दिल इतना खुश हो जाता है ना मेरा कि मज़ा आ जाता है मुझे. ओके, अगली चीज़ है ये ट्रेंच जो कि है लेदर का ट्रेंच और इसकी लेंथ अच्छी है, इतना लंबा है ये एंड स्लीव्स ऐसी हैं एंड इस पर बेल्ट भी है. और अगली प्यारी चीज़ है कि इसमें हुडी भी है और इसको स्टाइल करूँगी मैं पूरा आउटफिट लाइक ब्लैक एंड बूट्स के साथ और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी दिखने वाला है ये. इसको लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि लूँ या नहीं लूँ. सो जब मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाना तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है. तो ये है इसकी, इस किस्म की लेंथ है. सो इसकी लेंथ कुछ इस तरह की है. मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकी चीज़ें भी पहन के ट्राई करूँ और अच्छी तरह दिखाऊँ. मैं जोकर जैसे बनी हुई हूँ आज, मेरे बाल भी उजड़े हुए हैं एंड पजामा पहना है. पर मुझे वीडियो शूट करनी थी, बहुत समय हो गया कि मैंने शूट नहीं किया है. मैंने लगा कि यार देखी जाऊंगी, दिस इज नेचुरल राइट. अब अगर फेवरेट चूज करना हो तो बड़ा मुश्किल है, पर मुझे ये लेदर काफ़ी मज़ेदार लगी एंड वो वेलवेट की ड्रेस. अब आपको बताना है कि आपका फेवरेट पीस कौन सा था. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं इनको स्टाइल करके भी बताऊँ तो प्लीज़ कमेंट बार में ज़रूर बताना. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर आपके पास कोई और रिक्वेस्ट है वीडियो की वो भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं. मैं मिलूंगी आपको जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी.